एक बेरहम शिकारियों का समूह एक घायल बाघ के पास जाते हुए बाघ तिलमिलाकर शिकारियों की तरफ भागता, लेकिन कुछ कदम बाद वो रुक जाता। इसका खून बहने लगता। इसकी गर्दन एक तारा से बंधी हुई थी। उसके ताज़ा खून से उसके बाल लाल हो चुके। बंधी हुए तार की वजह से इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही। कप्तान पास जाते हुए दोनों एक दूसरे को देखते। बाघ उग्र लग रहा। बाघ दो शावकों की तरफ जाता। बाघ गुस्से से दहाड़ता। ये शिकारी सच में निर्दयी। वे इसके बच्चों को आगे रखते जाल में फंसाने के लिए। तभी बाघ दिखावा कर रहा उन्हें डराने या मारने के लिए। फिर वो कप्तान की ओर दौड़ता। जैसे ही वो कूदा फिर उसे शिकारी ने बेरहमी से मार डाला। ये शिकारी बाघ और शावक खून से लथपथ पड़े। अब छुआ नहीं। उसी समय जंगल में दूसरा बड़ा बाघ दौड़ रहा। रफ्तार उड़ने जितनी तेज होती, लेकिन जंगल के किनारे पर एक खाई थी। यह कूदना चाहता है लेकिन पर्याप्त बहादुर नहीं। यह केवल वहीं खड़ा हो सकता। अपनी पत्नी को ले जाते शिकारियों को देख रहा। तभी जंगल में क्रोधित चीख पुकार मच गई। जब शिकारी गांव लौटे वे बाघ और दोनों शावकों को जापानियों के हवाला कर देते। वे तस्वीर खींचते हैं और लाइन में खड़े हो जाते बिना किसी दया के। गांव के लोगों को बस यही पता, जापानी जनरल को बाघ की खाल पसंद। अगर वे उसे अच्छी बाघ की खाल दे सके वे खाना खा सकते। शिकारी कप्तान गु ग्योंग जनरल के कमरे में जाता। उसे कुछ भी करने का आदेश मिलता और किसी भी कीमत पर, जिसे जंगल का राजा कहा जाता। अगले दिन वे जंगल जाते। वे मरे हुए शावक को लेकर आते चारे के रूप में। वे इसे जमीन पर रख देते। अलग तरह का पंजा और जाल। कुछ दूरी पर बाघ की आंख घूरता हुआ शिकारियों और अपने बच्चे को। जब रात को शिकारी खाने का इंतजार कर रहे थे तब गु ग्योंग ने कुछ महसूस किया। उन सभी ने बंदूकें उठा ली। तब सभी शिकारी दौड़े और उस जगह को घेर लिया। जब वे वहां पहुंचे तो दृश्य ने उन्हें डरा दिया। पता चला कि वहां केवल दो भेड़िये लड़ रहे थे। सब जाल टूट चुके थे। बाघ शावकों के शव भी कहीं नहीं मिल रहे थे। अगली ही सेकंड गु ग्योंग ने दोनों भेड़ियों को मार डाला। वो बाघ अपने बच्चे को गुफा में ले आता, फिर धीरे से उसे सहलाता, फिर जमीन पर बैठा जाता और कहराने लगता। अगले दिन गु ग्योंग सभी को ले आया चुन मैंडुक के स्थान पर, जिसकी हर कोई तारीफ करता। बच्चा होने के बाद से कभी कभी जंगल जा पाता। गु ग्योंग मैंडुक को अपने साथ पहाड़ पर जाने के लिए बुलाने आया लेकिन असफल रहा। गु ग्योंग बहुत चाल चलता। फिर मैंडुक सुखी को आश्वस्त करता जापानी जनरल से मिलने के लिए। जापानी जनरल के अधिकार के तहत वो आगे बढ़ता। उसने उसे एक बंदूक भी दी। सुखी बहुत खुश हुआ। उसे कसम खाए वो पक्का बाघ को पक्का लेगा। उस दिन सुखी और शिकारी पहाड़ पर गए। वे बाघ को लुभाने के लिए आवाज करते हुए चल रहे थे। अचानक एक कुत्ता भौंकना और खींचना बंद नहीं करता और फिर एक दहाड़ सबको डरा देती, लेकिन उन्हें बाघ कहीं नहीं दिख रहा। तभी एक चट्टान पर जंगल का राजा कदम बढ़ाते हुए, जो कि बंदूकों से भी नहीं डर रहा, लेकिन वो खड़े हुए सभी को देख रहा और दोबारा दहाड़ता। उसके आतंक से सभी डर जाते। बाघ उनकी ओर दौड़ा। मैंडुक गोलियों की आवाज सुनता, क्योंकि बाघ की गति बहुत तेज होती तो हर कोई केवल इधर उधर भाग सकता और बाघ को कुछ नहीं कर सकते। सिपाहियों को देखते हुए उन्हें एक एक करके काट कर मार डाला गया। सुखी पेड़ के पीछे चुपचाप होकर छिप जाता। एक और दहाड़ तब सारा जंगल सुनसान हो गया। सुखी के पीछे से बाघ धीरे धीरे आता, लेकिन अजीब बात वो सुखी को छोड़ देता बिना चोट पहुंचाए। लेकिन चकित करने वाली बात, सुखी के पीछे एक घायल आदमी जो अचानक उठता। उसने बाघ पर अपनी बंदूक तान दी। इससे बाघ उस पर झपटने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन सुखी ने सोचा कि बाघ उसे चोट पहुंचाएगा। अपने बचाव में उसने अपनी सूझबूझ दिखाई। जब शिकारियों का दूसरा दल आया उन्हें हर जगह लाशें दिखी, लेकिन वे बाघ के पंजे के निशान नहीं खोज पा रहे थे। गु ग्योंग ने सुखी को खोज लिया लेकिन उसने सुखी को नहीं बचाया। वो जानता था जब सुखी ये मर जाएगा तब मैंडुक आएगा और बाघ को पकड़ने में मदद करेगा। घायल होने के बाद बाघ अपने बच्चों के पास आ गया और वहाँ खड़ा होकर कुछ देर के लिए देखने लगा शिकारी के आने पर, फिर भाग गया। केवल लाल खून के धब्बे छूटकर रात में भूखे भेदियों का झुंड आए और सुखी ये को खाने के लिए ले जाने लगे। तभी जंगल का राजा आता और भेड़ियों का पीछा करने लगा सुखी ये के लिए, फिर धीरे धीरे उनके पास गया। बाघ भेड़ियों को देखता, लीडर भेड़िया आगे बढ़ता, राजा उसे दबोच लेता। बाघ की दहाड़ से सारे भेड़िये भाग जाते। तभी मैंडुक घर पर, वो अपने बेटे के खोने का दुख मना रहा। इस समय उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जब उसने घायल राजा को देखा वो सुखी को घर वापस लाया, लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था। मैंडुक को पुरानी याद आती, जब वो बाघों को पकड़ने जा रहा था माँ की लाश के पास खड़े दो शावक। वो मैंडुक था जिसने उनकी जान बचाई थी और वो उन्हें गुफाओं में ले गया और उन्हें पाला, उन्हें खाना दिया, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा सका। दो में से एक बाघ की मौत हो गई थी।
जंगल के राजा ने मैनडुक के बेटे को बचाया उसके भरण पोषण का कर्ज उतारने के लिए, लेकिन माँ की हत्या का बदला लेना चाहता। मैनडुक अपने बेटे को देखता, उसके बाद उसे सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थी। उसी समय जापानी बैरक में शिकारियों की टीम पहुँच गयी। जापानी जनरल ने आदेश दिया कि बाघ को मार डालो, क्योंकि अभी सेना को सुरक्षित करने का यही एकमात्र तरीका। जंगल के चारों ओर बारूद फैलाकर और पहाड़ को जला दो, और जिस आदमी ने यह किया वो कोरिया के जंगी संगठन से था। जब विस्फोट बटन दबाया जाता, आधा जंगल विस्फोट से उड़ जाता, एक एक करके पेड़ गिरते। राजा ने भी गुफा से आवाज सुनी, बाहर सैनिक गुजरने वाले सभी जानवरों को मार रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा रहा था टाइगर है या कोई और जानवर। कुछ घंटों के बाद जंगल कब्रिस्तान में बदल गया। मारे गए बाघ राजा धीरे धीरे गुफा से बाहर आया। जब जीवन दांव पर हो तब छुपना मदद नहीं कर सकता, लेकिन लड़ने के लिए खड़ा होना कर सकता। अचानक एक सिपाही पर उछल पड़ा, वे नहीं जानते कि दुश्मन कहाँ। बाघ की गति बहुत तेज होती, तब लोगों की दयनीय चीख गूंज उठेगी और लाशें गिरती रहती। जापानी सैनिकों को नहीं पता था कि बड़ी बिल्लियां पेड़ों पर चढ़ सकती, क्योंकि उनकी जगह ऐसा कोई जानवर नहीं। सभी एक के बाद एक राजा बाघ द्वारा मारे गए, उसके द्वारा एक टोली सैनिक मारे गए। गु ग्योंग दूर से देख रहा, तब बाघ ने उन्हें खोज लिया। अगले पल एक गोली सीधे उसके सिर पर जा लगी, शिकारियों ने उसका गला घोटना शुरू कर दिया। इसकी ताकत अब खत्म सी हो रही, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा, लेकिन इसने अभी हार नहीं मानी। अभी गु ग्योंग के ट्रिगर खींचने से पहले बाघ उछल पड़ा, एक पंजा गु ग्योंग को बहुत दूर उड़ा देता। वो अपनी बंदूक उठाने वाला ही था, तभी बाघ ने उसका हाथ दबोच लिया, फिर गुस्से से उसके शरीर को फाड़ डाला, फिर उसके दो टुकड़े कर लें, फिर यह गर्जा और चला गया। रात को मैनडुक अपने बेटे को दफना रहा, फिर उसने बाहर सांस लेने की आवाज सुनी। वो जंगल में गया और राजा को देखा। बाघ उठा और धीरे से जंगल में चला गया। मैनडुक ने अपने घर को अपने हाथों से जला दिया, फिर अकेले बदला लेने चला गया दूसरी जगह। जब जापानी जनरल ने इसके बारे में सुना तो वो बहुत गुस्सा हुआ, वो स्वीकार नहीं कर सका। उसके सैनिक आसानी से मर गए, उसने फिर से सेना भेजी, फिर सैनिकों को नदी पार करने और पहाड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर किया बाघ को खोजने के लिए। यहाँ बाघ अपने शावकों के दो शव ले गया बाहर और बादला लेना शुरू कर दिया मैनडुक की तरह। मैनडुक एक बर्फीले पहाड़ पर चढ़ रहा, वो जानता है कि बाघ राजा की जगह केवल पहाड़ की चोटी हो सकती। जब वो पहुँचा तो वो बाघ राजा के आने का इंतजार चुपचाप बैठकर करने लगा, और सिपाही भी शिकारी की आज्ञा से पीछे पीछे चढ़ गए। जब जापानी सेना पहाड़ की चोटी पर चढ़ नहीं पा रही थी, आधे सैनिक फिसल कर नीचे गिर गए। मैनडुक ने आवाज सुनी और बंदूक लोड करने लगा, फिर धीरे से खड़ा होता राजा को देखते हुए। आखिर अंत आ गया था, उनके रिश्ता खत्म होता दिखाई दे रहा था। जब से टाइगर मैनडुक के बेटे को घर लाया था, तभी मैनडुक ने अपनी बंदूक उठाई। बाघ भी घबराकर आगे बढ़ा, सभी सैनिकों को गोलियों की आवाज सुनाई दी। बाघ का गर्म खून बर्फ में बहता, यह दृश्य लोगों को हैरान कर देता। फिर ताकत न होते हुए भी वो फिर खड़ा हो गया। मैनडुक ने अपनी बंदूक नीचे फेंक दी, फिर सामने बाघ पर चिल्लाया। बाघ ने आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया, बाघ दहाड़ते हुए फिर दोनों चट्टान में कूद गए। फिर शिकारी लौट आए, वे हार गए। जापानी जनरल ने उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन क्या करे, ये सब आदेश उसने ही दिए हुए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद वो चाहता था उनकी सेना का अधिक मनोबल होगा, फिर उत्तर कोरिया के आखिरी बाघ की खाल पहनता और जापान लौट जाता, और मिशन पूरा होता है टाइगर पकड़ने का। कहानी खत्म। सिटिंग ऑफ द टाइगर, कोरिया पर जापानी कब्जे के दौरान फिल्म में बाघों और इंसानों के बीच विरोध उस समय समाज में अच्छे और बुरे पर प्रकाश डाला। टाइगर किंग केवल एक बाघ नहीं, यह एक गहरी राष्ट्रीय भावना को भी दर्शाता। सत्ता से न डरने के समान उत्तर कोरियाई लोगों की तरह जो हार नहीं मानते, और इतिहास का पहिया हमें बताता है कि प्रकृति का सम्मान न करना राष्ट्र का अपमान करने से अलग नहीं, निश्चित रूप से उचित सजा होगी। सबसे पहले आप तक पहुँचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में